हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 11th का, व्हाट इज़ डिस्काउंट एंड इट्स टाइप ऑफ डिस्काउंट। आप मेरी वीडियो को 3 दिन से मिस कर रहे होंगे कि मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गला ख़राब था और गला ख़राब आज भी है, लेकिन मैं आप लोगों को मिस कर रही थी कि आपकी पढ़ाई का कहीं टॉपिक मिस ना हो जाए। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ क्लास 11th का, व्हाट इज़ डिस्काउंट एंड इट टाइप ऑफ डिस्काउंट। आज मैं इस वीडियो से आप सबको क्लियर कर दूँगी कि व्हाट इज़ डिस्काउंट और डिस्काउंट में क्या क्या कॉन्सेप्ट में क्या क्या बारीकियों से इसे किया जाता है, कैसे कर डिस्कस करेंगे और हम। लेकिन डिस्काउंट से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है उसे हम जानते हैं, और इसमें आज मैं आपको बताऊँगी ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the meaning of discount? Discount क्या होता है? Discount जो होता है original price पर किसी भी product की, उसमें से जो percentage कम करके दी जाती है, reduce करके दी जाती है, उसको हम discount करते हैं। Example के साथ बताती हूँ। जैसे आपको किसी दुकान पर गए, उसकी price थी 100 रुपये, जो seller है वो कहता है मैं आपको 20% discount दूंगा, 20% discount दूंगा, तो 100 का 20% क्या हुआ? 20 रुपये। 100 में से 100 का जो प्रोडक्ट है उसका 80 रुपये में देगा, इसका मतलब जो 20 रुपये की बचत है रिड्यूस हो गई, कम हो गई, आपको कंसेशन दिया गया, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आइए, वो अलाउंस की तरह कंसेशन है, वो प्राइस में दिया जाता है। डिस्काउंट इज गिवन सो दैट द बायर इज इंड्यूस्ड टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए वो जो डिस्काउंट देता है, एंड लेटर टू मेक पेमेंट इन टाइम, वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कैन बी आल्सो रेफर टू एज अ डिडक्शन इन द प्राइस, हम इसे प्राइस डिडक्शन कह सकते हैं। द सेलर डिडक्ट्स द डिस्काउंट फ्रॉम द ग्रॉस एंड द टोटल प्राइस, जो उसका टोटल प्राइस बैठता है उसमें से देता है वो, एंड द बायर इज सपोज्ड टू पे द नेट अमाउंट, और जो बायर है, खरीदार है, वो उस नेट अमाउंट को पे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ए कैश डिस्काउंट आर डिस्काउंट इंसेंटिव गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर पेइंग ड्यूज ऑन बिफोर द ड्यू डेट एज द पर कंपनीज टर्म एंड द कंडीशन। जो एक कंपनी की कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड अप्लाई लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो कंपनीज अपनी एक बनाती हैं कि आप मुझे पेमेंट करेंगे इतने टाइम पीरियड में तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, उसमें हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो है कंपनी ऑफर करती है इट टू इट्स कस्टमर के लिए अर्ली पेमेंट के लिए, ताकि उसको नुकसान ना हो, अर्ली पेमेंट कर दे। इट इज़ नोन एज सेल डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हकीकत में सेलर जो है अपने खरीदने वाले कस्टमर को, अपने बायर को, जो उनके कस्टमर होते हैं, जो उनके होल सेलर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसलिए, इसका ये डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि उनके पैसे फंसे ना रहे, उनकी जो पेमेंट है उन्हें टाइमली मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कस्टमर सेलर से कोई ख़रीदने आया है और वो पूछता है ये प्रोडक्ट कितने की है, वो कहता है 100 रुपये की है, 100 रुपये की प्रोडक्ट है, अगर आप मुझे पेमेंट अभी करेंगे, अभी पैसे देंगे कैश में, तो आप को डिस्काउंट भी दूंगा 5%, अगर आप करेंटली पेमेंट करेंगे तो। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि उसी टाइम बायर जो है पैसे दे देता है और उसका, उसको ये सोचने का मौका नहीं मिलता कि मेरा पैसा मरेगा, और उसकी लायबिलिटी जो है टेंशन कम हो जाती है, और उसका चाहे मार्जिन चाहे भले ही कम हो जाए, लेकिन उसका पैसा मरता नहीं है, पैसा लेके भाग जाए या फ्रॉड ना हो जाए, ये टेंशन से आज़ाद हो जाता है। भले ही वो उसको ख़रीदने वाले को भी बेनिफिट हो जाता है और सेलर को भी बेनिफिट हो जाता है टाइमली पेमेंट मिलने के अनुसार। तो ये भी हो सकता है कि कैश जो सेलर है
अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं इसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा, 2% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको मैं 5% दूंगा, और 30 दिन से ज़्यादा आप इसको पेमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको नहीं दूंगा ये कैश डिस्काउंट। किसी भी तरीके का आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी तरीके का जो बायर होता है वो पेमेंट टाइमली कर दूँ, डिस्काउंट मिल जाएगा और एक अच्छी वो मिल जाएगी। उसी तरीके से टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट में दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में दो परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट, ये दो इसके टाइप्स हैं। तो आज मैंने अभी आपको कैश डिस्काउंट बताया है, अब चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या पर्पस होता है? इट्स पर्पस टू एनकरेज द बायर टू मेक बल्क परचेज। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद होता है कि परचेजर को एनकरेज करे कि वो बल्क में खरीद ले। इट इज़ अलाउ ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट। ये कैश में भी मिलता है और क्रेडिट में भी मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स में शो नहीं किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है एक परसेंटेज के जो कैटलॉग प्राइस होता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, ये और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड किया जाता है। इट इज़ द पर्पस टू एनकरेज बायर टू मेक बल्क परचेज। इसको मैंने आपको बताया कि एनकरेज करता है, अलाउ करता है क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज के लिए। ये शो नहीं होता है क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेडर के लिए किया जाता है, ये होलसेलर के लिए दिया जाता है ये डिस्काउंट। कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, रिडक्शन टू द पब्लिश्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये रिडक्शन किया जाता है प्रोडक्ट जो हमने प्राइस रेज करा है उस पर रिडक्शन किया जाता है। सेलर जो होते हैं वो अपने आप देते हैं, जो हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा खरीदा जाए, मेन इसका यही है। हाई वॉल्यूम में होलसेलर्स के हाई लेवल, हाई वॉल्यूम जो होलसेलर्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाते हैं, उनको 40% 30% डिस्काउंट में दिया जाता है। वाइल मीडियम वॉल्यूम होलसेलर हो मान लीजिए तो उन्हें हम 30% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ए रिटेल कस्टमर, जो रिटेल कस्टमर होंगे वो रिसीव करेंगे, उन्हें लिखागा नो डिस्काउंट। क्यों? और कभी कभी मिलता भी है। और इसे इस सेलर पे डिपेंड किया जाता है कि कस्टमर आपका रिटेलर है होलसेलर है। मोस्टली देखा जाता है कि ब्रांड जो होते हैं, ब्रांडेड किसी भी कंपनी के शूज़ के या फिर ऑफर लगी होती है। इससे ये होता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट को लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ट्रेड डिस्काउंट का अक्सर असली का यही मतलब होता है कि जितनी चीज़ें हैं वो बिक जाएं और ज़्यादा तादाद में बिकें। ज़्यादा में बिकेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। बेशक डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है। 70 रुपये की है उसकी कॉस्ट जो पड़ रही है, उसे बेच रहे हैं 100 रुपये का। 100 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा है, लोग कम खरीदेंगे, लेकिन 10 लोगों ने उसकी चीज़ खरीद ली। कितने रुपए की आई? 300 रुपये का प्रोडक्ट का 300 रुपये। इसी तरह से आप वो प्रोडक्ट 100 रुपये का प्राइस है लेकिन 20 रुपये डिस्काउंट भी दूंगा तो मुझे 80 रुपये में देना होगा। 80 रुपये की जो प्रोडक्ट को दिया आपको, खरीदने की 10 से 100 हो गए। पहले 10 खरीदने वाले थे, अब कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 खरीदने वाले होंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? खुद इमेजिन करें कि 1000 रुपये। 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये। प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिका, मार्केट में नाम भी बन गया और प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर लिया। चलिए एक बार जल्दी से जल्दी इसका हम तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एक फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। ऑलवेज डिडक्ट अ प्राइस लिस्ट इन बोथ केस, कैश और क्रेडिट। ये हमेशा होलसेलर टू रिटेलर ही किया जाता है, ट्रेड टू ट्रेड ही किया जाता है। विच इज़ अलाउड व्हेन परचेज आर इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स मैंने यही बताया, जल्दी से जल्दी मैं आपको समझा दूँ कि यूजुअली अलाउ किया जाता है बल्क सेल में। जनरली अलाउड फॉर कस्टमर हु वांट टू परचेज इन बल्क।
बल्क में जो खरीदेगा उसे ही ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट देयर इज़ नो एंट्री इन अ बुक्स, बायर और सेलर के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम बिफोर एंड एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस, हेंस इट डज नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ बुक्स। इट इज़ यूजुअली अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज, ये टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे किया जाता है। इट यूजुअली डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ गुड्स परचेज एंड द नंबर ऑफ परचेजेस। मैंने आपको यही समझाया अभी कि ये परचेजर जो है आपका कम बल्क में माल खरीद रहा है या ज़्यादा खरीद रहा है, ये उस नंबर पे डिफर किया जाता है कितना परसेंट दिया जाएगा। अब जल्दी से हम एक इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझ लें। द सेल परचेज विल बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट इज सब्ट्रैक्टेड, एज दिस डिस्काउंट इज डिडक्टेड बिफोर एनी एक्सचेंज टेक प्लेस, इट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इज नॉट एंटर्ड इन टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। मीन्स ट्रेडिंग ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी बुक में शो नहीं करेंगे, तो हम इसे जर्नल एंट्री में भी शो नहीं करेंगे। सिर्फ हम उस अमाउंट को माइनस करके दिखा देंगे कि ये हमें सेल परचेज से अमाउंट जो है मिला है, डिडक्ट करके हम ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट दिखाएंगे। देखिए डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब रिडक्शन किया जाएगा प्राइस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ, जब हमारा सेल होगा बायर किस क्वांटिटी से खरीदेगा उस पे मिलेगा। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जिसका मतलब ये है कि अमाउंट जो है पेमेंट रिसीवेबल फ्रॉम द क्रेडिटर्स, जब हम पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं और उनको हम एट द टाइम ऑफ सेल देंगे तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। इसे हम बुक्स में दिखाएंगे और इसे ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, इसको सेल्स इन द बल्क क्वांटिटी, जो बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा वो ट्रेड डिस्काउंट का हकदार होगा। और जो कैश डिस्काउंट होगा वो टू फैसिलिटी प्रॉम्प्ट पेमेंट, और पेमेंट के लिए अगर वो अभी पेमेंट कर रहे हैं, एक लिमिटेड हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें पेमेंट होगा तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा और इसको हम बुक्स में एंट्री भी करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का तो फिर क्या मतलब हुआ, कब अलाउ होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज, और कैश डिस्काउंट कब अलाउ होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इसकी टैक्सेस के देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या टैक्स दिखाएंगे, नो नीड टू पे टैक्स ऑन ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे कोई नीड नहीं बनती है टैक्स पे करने। कैश डिस्काउंट में पे आफ्टर सेल करते हैं, इट विल प्रोवाइड आफ्टर सेल, तो यस बिकॉज इट विल प्रोवाइड आफ्टर सेल। ये कहाँ वेरी करते हैं, द नंबर ऑफ गुड्स परचेज इन द गिवन टाइम, ये जो होते हैं जो नंबर जो हमारे कितनी क्वांटिटी में खरीदा है परचेज में वो वेरी करता है। और कैश डिस्काउंट में पेमेंट मेड इन अ गिवन टाइम, जो उसने पेमेंट करी है उस समय पर कैश डिस्काउंट कितना मिला है, नेट पेमेंट वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में मेन मतलब क्या है, इसको हम जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, किस डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट रेट जो हमारी है उसको हम लिस्ट प्राइस से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। और कैश डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस पे जो हमारा कैश डिस्काउंट रेट है उसे हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। पेमेंट हो गई, दोनों की होती है, लेकिन आइए एक एग्जांपल देखिए। 1,000 रुपये पे 10% हमने दिया ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 रुपये आपका लिस्ट प्राइस था, 10% जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट रेट था, हमारा कितना हो गया 100 रुपये। हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं, सीधा माइनस करेंगे 100 रुपीज़ को 1,000 रुपीज़ से, 900 रुपये हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब जो हमारा 900 रुपये है वो इनवॉइस प्राइस है, 900 को हमने इनवॉइस प्राइस लिया, 1% हम कैश डिस्काउंट रेट ले रहे हैं वो क्या हुआ 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ को हम 900 से माइनस करेंगे 891, मतलब 891 रुपये हुआ, इसे हम पे करेंगे। ये था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट निकालने का एक आसान तरीका आपके सामने लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आज समझ में आ गई होगी कि कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं और इनकी पेमेंट कैसे होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं।
थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने वीडियो पर, चैनल पर। थैंक यू।